हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीताज केक्स एंड मोर। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बेहतरीन स्नैक्स जिसे हम कहते हैं चीज़ी पटेटोज़। और ये बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और इसे बनाना तो उससे भी ज़्यादा आसान है। चलिए शुरू करते हैं इंग्रेडिएंट्स से। आजकल के मौसम में छोटे बेबी पटेटोज़ आते हैं तो मैंने वही लिए हैं आपके लिए। और मैं इनको एक हल्का सा बॉयल कर लूँगी। देखिए, ये मैंने पहले से ही आपके लिए बॉईल करके रखे हैं बेबी पोटैटोस। और अब इन्हें बॉईल करके मैं इन्हें सिर्फ 10 मिनट के लिए मैरिनेट करूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बहुत जल्दी बनने वाला स्नैक्स है, तो हम इन्हें मैरिनेट करेंगे। ये मैंने एक स्पून लगभग एक नींबू का रस लिया हुआ है। ये मैं लेमन जूस इसमें डाल रही हूँ। और ये मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट है। ये एक ऐसे बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो हर घर में मिल जाते हैं। और बहुत जल्दी अचानक से आपका कुछ खाने का मन हुआ और आपके ये फटाफट स्नैक्स बनने वाले हैं। और ये देखिए, मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट और पेपर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। तो ये मैं सारा इसको डाल रही हूँ। ये हमारी पेपर है। और अब मैं इसे मैरिनेट करके कुछ 5 से 10 मिनट तक के लिए रख दूंगी। इसके साथ साथ ही जो मैंने एक मेन इंग्रेडिएंट इसमें डालना है वो है ऑलिव ऑयल। ये सारा मैरिनेट करके मैं करीब 2 से 3 स्पून ऑलिव ऑयल डालूंगी इसमें। आप देख सकते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने एक माइल्ड फ्लेवर के हिसाब से लिया है, एक मीडियम सॉर्ट ऑफ। ये देखिए, अब आप इसे 10 से 15 मिनट मैरिनेट करके छोड़ दीजिए और बस अगले 5 मिनट में आपके स्नैक्स तैयार हैं। चलिए, अब हमने अपना पैन रख लिया है। करीब 15 मिनट हो गए हैं हमारे आलुओं को मैरिनेट हुए हुए। और अब मैं करीब 1.5 से 2 चम्मच ऑयल और डाल रही हूँ। जैसे कि मैंने मैरिनेशन में थोड़ा ऑयल डाल ही लिया था, इसलिए मैं ज़्यादा ऑयल अब नहीं डालूँगी। और मैं प्रेफर करती हूँ हेल्दी कुकिंग जिसमें मैं कम से कम ऑयल डालूँ। तो देखिए, हमारा पैन तेज़ गर्म हो जाना चाहिए। अभी हमारा पैन तेज़ गर्म हो गया है और हमने ये मैरिनेट किए हुए सारे आलू इसमें डाल रहे हैं। ये मैरिनेटिंग मिक्सचर जो आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट और लेमन ऑलिव ऑयल से बना है, ये भी अच्छे से निकाल लीजिए आप। और इन्हें खूब तेज़ फ्लेम पे, क्योंकि ये पारबॉयल हैं तो इन्हें तेज़ फ्लेम पे हम सिकने देंगे करीब 3 से 4 मिनट। देखिए, हमारे बेबी पोटैटो सिकते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इन्हें 2 से 3 मिनट लगेंगे। करीब 1 से 1.5 मिनट हो गया है। इन्हें पूरे बनने में करीब 5 से 8 मिनट लगते हैं, पर ये बहुत टेस्टी बनते हैं और आप इन्हें बहुत इन्जॉय करेंगे। देखिए, आप देखेंगे मैं इन्हें टॉस कर रही हूँ। देखिए, सब काफ़ी लाल होते जा रहे हैं। अनदर 1 to 2 मिनट और बस ये खाने के लिए तैयार होंगे। देखिए, हमारे सारे बेबी पोटैटोस पूरे रेड हो गए हैं, अच्छे से सिक गए हैं ये। और बस इस स्टेज में आकर, ये ऑलमोस्ट डन स्टेज है, हम इसमें ओरिगैनो और रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। ये मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से ओरिगैनो डालेंगे। ये हमारा लास्ट स्टेप है। हाँ, ये जैसे ही हमारे ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स डल जाएंगे, हम फ्लेम बंद कर देंगे, नहीं तो हमारे चिली फ्लेक्स जलने लगेंगे। इस स्टेज में आकर के जो पैन में हमने इन्हें सर्व करना है, मैं उसी पैन में मैं अपने सर्विंग पैन में ही इन्हें सर्व कर रही हूँ डायरेक्टली। और इसमें मैं अपना चीज़ इसी के ऊपर डाल दूंगी।
देखिए करीब हाफ अ कटोरी है ये चीज़। आप चीज़ को इस तरह से करेंगे, मैं इसे बेक भी नहीं करती हूँ, बस ये चीज़ डाल के इसे मैं 5 मिनट इन्हीं की गर्मी में ये चीज़ पूरा मेल्ट हो जाएगा और जब आप खाएंगे तो आप इस चीज़ का, ओरिगैनो का, गार्लिक का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आपको आएगा। ये डालकर मैं इसको यहीं पे कवर कर दूंगी। ये करीब 5 मिनट ऐसे ही कवर रहेगा जिससे इसकी ही स्टीम में ये चीज़ मेल्ट हो जाएगा। देखिए हमारा चीज़ कितने अच्छे से मेल्ट हो गया है और ये बहुत ही टेस्टी बाइट्स हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।